अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम आज सुर्खियों में है। जल्द दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा हासिल करने जा रहा है। इस स्टेडियम में रविवार से ही काफी रौनक है, लेकिन सोमवार को स्टेडियम में दिन में चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करने को तैयार है। मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप के नाम से कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। दो देश के दिग्गज नेता और उनकी राजनीति के लिए चर्चाओं में बना हुआ ये 1,10,000 की दर्शक क्षमता वाला ये स्टेडियम क्रिकेट के लिए भी काफी फेमस रहा है। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तानों ने यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें सुनील गावस्कर और कपिल देव का नाम शामिल है। हालांकि 24 फरवरी को स्टेडियम में क्रिकेट से जुड़ी बात शायद नहीं होगी, लेकिन स्टेडियम में कपिल देव और सुनील गावस्कर द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आज हम इस शानदार मौके पर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 1983 में गुजरात सरकार द्वारा डोनेट की गई 100 एकड़ जमीन पर बने स्टेडियम में पूर्व भारतीय टेस्ट ओपनर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रनों का आंकड़ा पार किया था। वहीं पूर्व कप्तान और 1983 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव ने इसी मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज रिचर्ड हैडली के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था। सुनील गावस्कर जहां टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे, वहीं 1984 में कपिल देव ने हैडली को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में 432 विकेट हासिल किए थे। हालांकि जिस स्टेडियम और मैदान पर इन दो भारतीय दिग्गजों ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, उस स्टेडियम और मैदान को पूरी तरह से तोड़ा गया था और एक नया स्टेडियम बनाया गया था, जिसकी दर्शक क्षमता विश्व के किसी भी स्टेडियम से करीब 10,000 ज्यादा है। मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी को मोदी और ट्रंप के हाथों किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।